यहाँ पे ठीक है। मार क्यों रहे? ये मजाक था कि मैं तुम्हें उठा दूंगा। क्या वजन मापना है तेरे को? हाँ ये है। कितना वजन है तेरा? 47 है। तू क्या विक्रम? अरे भाई, हेलो हेलो भाई, तुम कैसे घूम रहे हो यहाँ पे यार? कौन भाई? हाय आंटी, तुम भूल गया मुझे? भूल गया? कौन है भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? नहीं। कुछ याद कर, दिल्ली, गुड़गावा, गाजियाबाद। ओ अच्छा अच्छा, मिले हैं ना हम? मिले हैं। और ये कौन है? ये मेरी फियांसी है। फियांसी? मदर इन लॉ। हाँ। हाय हाय, आई एम सोनू। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे? ठीक है, बस ठीक है। वो उससे क्या, दिल्ली वाली से तलाक डिवोर्स वगैरह हो गया क्या तेरा? कौन दिल्ली वाली भाई? अरे वो जिसका वो छोटा बच्चा था। क्या, किसकी बात करे जा रहे हो आप? कौन दिल्ली वाली? कौन बच्चा? आपको भाई? नहीं पता क्या? पर आप किसकी बात करो, पहले दी मेरे फियांसी। सॉरी यार, बोले मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे फियांसी भी होने वाले। मुझे शायद कोई गलतफहमी हो गई। शायद नहीं, तुझे गलतफहमी हुई। क्या बोल रहा है तू? अरे क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं, मुझे नहीं पता है क्या बोल रहा है। और वो जो ओयो में वो एक दो लड़कियों को लेके आया था कि अब तो इनसे मेरा रिश्ता हो गया, उनसे शादी करूंगा, वो कौन थी? मैं कभी ओयो गया ही नहीं हूँ मैं। अरे क्या बोले जा रही है? अरे कुछ भी बोला, झूठ बोल रहा है तुम। इसकी कोई नहीं, आप कौन लगते हो उसको पहले बताओ मुझे, आप कौन लगते हो उसके? बताया ना, ये मुझे मिला था वहाँ पे, मिले थे गुड़गांव में या गाजियाबाद में, मिले थे कहीं तो, कहीं मिले थे हम दिल्ली में। मैं तो बिजनेस के लिए गया था, मुझे वहाँ मिला था। कहाँ पे गया था तू? दिल्ली जाते हो? किस रीजन से जाते हो तुम दिल्ली? हाँ हाँ, बिजनेस के लिए जाता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी शादी कब हुई और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहा है आंटी। क्या ये आप जानते हो क्या इस लड़के को अच्छे से? इसके घर में कौन है, फैमिली में कौन है, जानते हो? नहीं नहीं जानते। ये हमारे घर में रह रहा है। हाँ, कितने महीनों से? आपके घर में रह रहा है? दामाद होने वाला है। झूठ बोल रहा है वो भाई। यार मुझे नहीं पता था ये तेरी फियांसे, तेरी से शादी होने वाली है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। ठीक है, सॉरी क्या, झूठ कर लो अपना, मैं जा रहा हूँ। मैं कोई झूठ, पहले रुको रुको, पहले बताओ, पहले तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन है और ये कैसे आ गए, क्या क्या बकवास? मैं इसे नहीं जानता, मैं सिर्फ दिल्ली में बिजनेस में मिला था। क्या मिला था ना तू मुझे दिल्ली में? दिल्ली में बिजनेस के सिलसिले में मिला था मैं तुमसे। इस वजह से तुम ये मतलब अभी तुम गए थे लास्ट पिछले? हाँ, ये मुझे दस दिन पहले मिला था। 10 दिन पहले की बता रहा हूँ मैं, 10 दिन पहले मिला था मुझे। झूठ बोल रहा है? अरे ये तो हमारे घर में रह रहा है, हमारी से गद्दारी कर रहे हैं। ये मेरे घर में साथ में रह रहा है। बात मत सुनो आप भाई, ऐसा गलत है। थाली में तो ऐसे उसी थाली में ये भाई, कितना गलत काम कर रहा है तू यार। उससे भरोसा नहीं है, इसकी बातों में आ रही हो, झूठ बोल रहा है। ना 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 ना, कौन है तू? मुझसे पहचान भाई, तू क्या मिले रहोगे तब ये बोल रहे? तू क्या भाई, मेरे रिश्तेदारी में लगता है मैं जो झूठ बोलूंगा? ओए भाई, मैं तेरे से कोई रिश्तेदारी में लगता हूँ क्या तेरी में, जो मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? झूठ ही बोल रहा है तू। मिला था, और वो बच्चे का क्या हुआ? 2 साल का जो बच्चा था वो बच्चा? मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं। हाँ, बच्चे के लिए मना कर रहा है ये। अरे मार इसको, घर में से निकाल दे। बोल रही थी मैं तेरे को, बोलती थी। अच्छा, कितने कितने सालों से इसको जानती हो तुम? सुनो, अरे झूठ बोल रहा है इसकी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे भाई। चलो मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना देख लो, ठीक है? हाँ, मुझे जाने दो ना। मुझे पता है, मैं बताता हूँ। मैं ओयो में था, गुड़गांव में रिसेप्शन पे बैठा था, तो एक औरत आई, एक छोटा बच्चा आया। मैं बोला ये कौन है भाई? बोला मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, और हम मुंबई से आए हैं, तो हमें यहाँ पे रुकना है आज रात में, तो मैंने इनको रूम दे दिया। ये 3 दिन बाद फिर आया। मैं बोला कि भाई ये कौन है? फिर दूसरे लिए गए थे 3 दिन के लिए, गए थे किस रीजन से? तीसरे दिन बिजनेस के लिए गया था। सुनो, मैं अगर गया तो तेरा आइडेंटिटी होगी, मेरे को बता, सबूत बता मेरे को। यार वो होटल में रखी है, मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, क्या आइडेंटिटी? मेरे को नहीं मालूम। मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे अच्छे से इसका नाम भी नहीं पता है, क्या नाम है वहाँ पे, ये पता नहीं गोल्लू नाम बता रहा था, निकनेम अपना क्या था। झूठ बोल रहा है ये, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं दिल्ली से यहाँ पे झूठ बोलने के लिए आया हूँ मुंबई में, है ना? पता क्यों आया? तू झूठ बोल रहा है। चल कोई बात ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रूफ दिखाओ आंटी, प्रूफ होटल में है, सीसीटीवी फुटेज मैं मंगा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। आपको इसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए?
आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दूंगा, अपना मोबाइल नंबर बता दो मुझे। नहीं मुझे कोई आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, ऐसे मैं नहीं देती हूँ। पहली बात तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन है और ये ऐसी मेरी बात सुनो। अगर आप नंबर नहीं देगी, इनका नंबर तो रहेगा, आप ये जानते हो इनके फोन, ये आपको वीडियो ये डिलीट कर देगा, नहीं करेगा। आप भी मंगवाओ, मैं यहाँ पे, इतनी जल्दी नहीं आएगी, उसमें टाइम लगता है। कोई बात नहीं, मैं ये मेरे घर पे ही रहता है, आप मंगवाओ। आप इधर आओ, मैं आपसे को थोड़ा समझाता हूँ, एक मिनट रुको। वहाँ क्यों जाओ? मैं थोड़ा समझा रहा हूँ भाई, इसको कैसे सीसीटीवी फुटेज आएगी। इधर आओ, देखो मैं लड़का ना वाकई में बहुत गंदा हरामजादा है। आप एक काम, आप ये कैसे बोल सकते हो यार, इसकी सीसीटीवी फुटेज है होटल की। आप एक काम करो, अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो हम नंबर एक्सचेंज करते हैं, थोड़े दिन बात करके देखते हैं। क्या? थोड़े दिन बात करके देखते हैं, क्या पता अच्छा लगे हम दोनों को। क्या हो गया? ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई, जाओ ना, बात कर रहे हैं। बात क्या करना है, क्या बात कर रहा है भाई? हम पर्सनली बात कर रहे हैं। पर्सनल बात कैसे हो गई वो? आंटी इधर आओ, आंटी इधर आओ, मैं सिंगल हूं, आप मुझे नंबर दे दो। इस लड़के को निकाल लो, मैं भी सिंगल ही हूं। एक एक आप उनसे बात मत करो, कुछ ही भी बोल रहे हैं। एक मिनट आंटी मेरी बात सुनो, इधर आओ। अभी मैं भी सिंगल हूं और आपका घर है यहां पे मुंबई में। इस लड़के को निकाल लो, मैं अपना बैग लेके आ रहा हूं आज। अच्छा, मेरा घर क्या सदा व्रत समझे हो आप लोग, धर्मशाला समझे हो? इसने धोखा दिया, क्या बात कर रहे हो? मैंने कुछ, ये तो धोखा देने वाला ही है। नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, और मैं तेरे को पहले ही बोलती थी कि लड़का ठीक नहीं है। ये लड़का ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अभी ये बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। आप मुझे पहले ये बताओ, आप आए कहाँ से, और ये बताओ और आप मुझे ऐसे बोल कैसे सकते हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया तो क्या, दिल्ली से क्या करना है? आप ये अभी ये मेरे फियोंसी के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, कल उठ के आप मेरे बारे में कुछ और बोलोगे? आपके बारे में नहीं बोलूंगा यार, ये तो हरामजादा है, तीन तीन चार चार लड़कियों को लेके घूम रहा है। मेरे पास तो एक भी नहीं है यहाँ पे, बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ? मुझे भी तो चाहिए ना कोई, अपने घर में मुझे रखे, खाना बना के खिलाए मुझे। बेटी आप लोग को मिली क्या दोनों को? मेरी इससे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी आंटी। देखो, अगर या तो प्यार से अपनी लड़की को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा। साफ बात है, मैं इसको उठा ले जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? मार क्यों रहे हो? पत्थर है जो उठा के लेके जाओ, पीटना चाहिए इसको तो पीटो। मेरी बात नहीं, तुम समझते क्या हो मेरी बेटी को? हाँ, उठा के लेके जाओगे? हाँ, आपकी लड़की प्यार करती है मेरे से? किससे बोला? मतलब ये मेरी बेटी, सब कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। कल तुम ही तो मेरे सपने में आ रही थी, बार बार मुझे परेशान करती है सपने में आके। तुमसे पैसे करनी मुझे, तुमसे तो मैं बात करने दो, तुम कुछ भी बोलोगे यहां पे? थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं। अच्छा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, मैं किसी से नहीं करती, इससे भी नहीं करती। नहीं करती ना इससे प्यार? ओ भाई निकल, तू ये तेरे से भी प्यार नहीं कर रही। आंटी आंटी मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरी बेटी को उठाएगा? पीट रहा, कोई समाधान है क्या? मेरी बेटी को उठाने की बात कर रहा है। ले अभी उठा लूंगा इसको, देखो अभी उठा रहा हूं। तू कैसे उठाएगा तेरे को सर पे? तू मैं बता कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे कंधे पे बैठ। क्यों उठाएगा भाई, तेरा तो पत्ता कट हो चुका है। पत्ता का भी कट नहीं हुआ है? वो हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तुम थोड़ा साइड पे हो जा, तुम जा साइड पे, तेरा पत्ता कट है, तू साइड पे हो जा। अब बात हमारी चल रही है, अब बात हमारी चल रही है, अभी बोलो। नहीं, ये मेरी बेटी को तो उठाएगा? हाँ, तेरे में इतनी हिम्मत, उठा के दिखा। तेरे को इसमें डाल दूं तो मेरा नाम नहीं। बोल लो ना आंटी को, तुम मुझे जानती हो? अरे मैं तो नहीं जानती थी कभी। क्या बात कर रहा है, तुम मुझे जानती हो? अरे सच सच बता दे, ये बोल के आएगा कि मेरा भी बच्चा है तो तुम मान लोगे? तुमने तो मान लिया ना, पर इसकी बात तुम तो जाते ही हो दिल्ली। ओए, वो तो मैं बिजनेस के लिए जाता हूँ। वो बच्चा मुझे याद है, उस बच्चे को मैं ले आऊंगा। वो सीसीटीवी मंगा के दिखा, मुझे वो बच्चे का भी पता वो कहाँ पे रहता है। तुमसे भी बात नहीं करनी, तुमसे भी बात नहीं करनी है। तुम चलो मम्मा यहाँ से। पक्का? हाँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने आंटी। आंटी नहीं नहीं, सुनो एक बात बताओ। हाँ। लड़की को कैसे दोगी? लाख दो लाख रुपए दूं क्या आपको? अरे तू एक करोड़ भी देगा तो नहीं देंगी, ना इसको दूंगी ना तेरे को देंगी, किसको भी नहीं देंगी। तेरे को मैं ना 5 लाख रुपए देता हूँ, इस लड़की से दूर हो जा। नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे। आप भी नहीं चाहिए? इसकी शादी मेरी मर्जी से करूंगी बस। इसके साथ पहले बोलती थी ऐसे लड़कों के चक्कर में मत आ, एक ये भी ऐसा है, वे भी वो भी ऐसा है, समझी? तेरा तो पत्ता कट हो रहा है, तू मेरा क्यों करवा रहा है यार? मेरे को पत्ता कहाँ से कट? मेरे को कहीं के मुंह से सुनूंगा ये बात? मेरे को तार भिड़ाने दे कहीं पे, भिड़ता है तो यार।
बोल अपना फैसला बता दे, अपना फैसला बता दे। मैं मेरी मर्जी से तुमसे भी बात नहीं करनी ना, तुमसे बात करनी है। तुमसे तो मैं बाद में लिपट लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम ओए क्या है, सुन तो लो, वही तुझे करना पड़ेगा। चलो सुनो सुनो, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना यहाँ पे, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे बीच पे। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई आके ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है और तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो तुमसे बहुत, जो देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं तुमसे, मेरी पहली बात तो सुनो, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे इसको दूसरा, पहली बात तो ये बता दो, देखो मैं तुम्हें पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम कुछ भी बोले जा रहे हो मेरे फियोंसी के बारे में आके। तुम्हारा फियोंसी मक्कार है, धोखेबाज है, चीटर है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अगर मेरा ये हाथ उठ गया ना तो मैं तुम्हें उठा दूंगा यहाँ से। तुम मुझे उठाओगे, मैं बता रहा हूँ। बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे। ऐसा कैसा उठा? अरे अरे, अरे, अरे मजाक मजाक आंटी, मैं नहीं उठा रहा उसको। हाँ। मजाक था। ऐसा उठा क्या मजाक कर रहा है? ये कोई मजाक होता है? किस चीज का मजाक था? कोई मजाक नहीं था, ये मजाक था कि मैं तुम्हें उठा दूंगा। हाँ क्या वजन मापना है तेरे को? हाँ ये है, कितना वजन है तेरा? 47 है। तू क्या विक्रम बेटा? मम्मा अभी क्या सुबह सुबह कुछ भी जोक कर रहे हो? चलो ऐसे लोग से बात करते हैं क्या सुबह सुबह? अरे छोड़ो तुम मुझे, छोड़ मेरी बेटी का। अभी आप कुछ बोल रहे हो यार, मुझे मन में से प्यार करके तू जा यार, तुम्हें से क्या? अरे सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। यार उधर कैमरा लगा है, मैं प्रैंक कर रहा हूँ, देख लो पहले। वो लगा यार तुम पागल हो क्या यार? क्या हो गया यार? ऐसा किसी के साथ भी प्रैंक कर लोगे आप? चल क्या हो गया, क्यों नाराज हो? नाराज ना हो यार भाई, ये मुन्ना नाराज हो रहा भाई यार, क्यों नाराज हो रहा यार? हंस ले यार, थोड़ा हंस भी लिया कर। बात थोड़ी है ये, क्या हो गया? मेरी फियांसी के बीच में झगड़ा लगा। नहीं लगा रहा यार, कोई नहीं यार, यार मजाक ही तो कर रहा हूँ यार, क्या होगा, मजाक है। अरे मेरी एकलौती बेटी, एकलौता तो उसके लिए मैं तैयार हूँ ना, एकलौता दामाद मैं बनने को तैयार हूँ। अभी इसका, इसको ही मैं दामाद बनाऊंगी। अब इसी को बनाऊंगी। उठा के आ गया, सब प्रूफ लेके आ। कोई नहीं आंटी, प्रैंक है ये, नहीं मैंने देखा इसको कहीं पे, प्रैंक वीडियो, वो कैमरा लगा हुआ है, देखो प्रैंक। सुन लो अभी, ओनली जस्ट ए जोकिंग। ऐसी भी किसी की जिंदगी से मजाक करने का? जिंदगी से कहाँ मजाक हो, आजकल चलते हैं ये प्रैंक। आपने तो कहीं ना कहीं देखे होंगे, आंटी को भी दिखाया करो प्रैंक वीडियो, देखा है कहीं पे? नहीं देखा है, नहीं देखा, बोल रही हूँ। कोई नहीं, ये प्रैंक देखना आप अपना, मेरे चैनल पे आएगी, सोनू चौधरी के नाम से मेरा चैनल है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ तोड़ दो और मेरे को पकड़ लो। अरे क्या अभी कुछ भी, वीडियो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। पक्का पक्का पक्का, डाल दे, डाल दे। फेसबुक पे, हर जगह डाल दे, यूट्यूब पे, हर जगह डाल दे, इंस्टाग्राम पे। तो बोल तो दो कि लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। तो दोस्तों लाइक कर दे, लाइक करो और कमेंट कर दो, शेयर कर और शेयर कर दो, ठीक है बात।